आज हम गौर कथा सुनेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही बहुत बड़ा उत्सव हुआ। कौन सा उत्सव हुआ? गौर पूर्णिमा उत्सव हुआ, है ना। किस तारीख को था? 25 तारीख को थी, है। और चैतन्य महाप्रभु के संबंध में अभी निकट भविष्य में कोई त्यौहार आने वाला है? रामनवमी तो हाँ तो को आ रहा है, आचार्य का जन्म। श्रीवास आचार्य बोलते हैं क्या बोलते हैं? श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित। आविर्भाव है कब है? 2 अप्रैल को है। वैष्णव कैलेंडर सबके पास होना चाहिए। एक शीट आती है, हम छापे हर साल, है ना, वो आप ले सकते हो, सबको बांट सकते हो। लेकिन सबके अंदर रुचि होनी चाहिए, और ऐसे दिनों में इनकी कृपा का द्वार भी खुला रहता है। 2 अप्रैल को जो है श्रीवास पंडित का जो आविर्भाव दिवस है, तो ऐसे दिन में इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ माता जी, मैं कुछ कह रहा हूँ? नहीं सुन रहे? देखो ऐसा है ना, अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो बीच में अगर अपनी बात करोगे तो फिर हमारी बात नहीं सुनोगी। मैंने क्या बताया, कौन बताएगा अभी? क्या बताया? सरोज जी बता रहे थे कि आप लोग सुनते नहीं हो, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। उनके आगे भाव तीनों भाग में उनके आप मतलब आप नहीं पता, आप यहाँ के लोगों को बोल ले दो, ये लोग बड़े अनडिसिप्लिन हो गए। हाँ, ये भी सोचना चाहिए ना, वो भी अच्छा है आप पूछ रहे। लेकिन फिर क्या होगा, मेरी बात तो निकल जाएगी। मैं आप कुछ बताने आया हूँ, है ना। हाँ तो अभी हाँ, निकट भविष्य में कोई त्यौहार आने वाला है? सुना श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव है, कब है? 2 तारीख को। मैं कह रहा हूँ कि एक वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए आप लोगों के पास, है ना। है मोबाइल में? देखिए मोबाइल में आप जो है, जैसे इसमें हम एक साथ सब देख लेते हैं, ये हमारी शीट है, तो वैसा आपके मोबाइल में नहीं ना। फिर आप एक एक दिन का निकालोगे तो ऐसे पता नहीं कि महीने का जाता है, महीने का नहीं। इसमें इस तरह से पूरा नहीं आता, इसमें सब नहीं आते। इसमें जितना आता है, देखो ये शीट है, हम छापते हैं। अगर आपकी जेब में रहेंगे तो आप जो है कोई भी त्यौहार ढूंढ सकते हो। इसमें सब नहीं आता, है ना, ये पूरे साल का है, 2 पेज में आता है ये शीट। तो इस शीट से जो है आप आगे का पीछे का सब एक साथ देख सकते हैं। तो ये छापता है, हम छापते हैं, सबको रुचि होनी चाहिए। ऐसे दिनों में इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। तो श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव 2 अप्रैल को आने वाला है, तो कौन सा दिन पड़ेगा? वो मंगलवार पड़ेगा, है ना। तो चूँकि आज शनिवार है, तो अब मंगलवार को तो हम आने वाले नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा कि श्रीवास ठाकुर की कुछ चर्चा हम करें। तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कौन है, कौन बताएगा? श्रीवास ठाकुर के बारे में कुछ जानते हैं, कौन बताए? साधु सीता जी, नारद मुनि के अवतार। बहुत अच्छा। हाँ, एक बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नारद मुनि के अवतार हैं। और कुछ बताओ श्रीवास ठाकुर के बारे में और उनके बारे में। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया करते थे रात में। सुन लिया सबने? क्या सुना? रात को कीर्तन करते थे कहाँ? श्रीवास आंगन में। बहुत बड़ी सूचना श्रीवास ठाकुर के बारे में, बहुत बड़ी सूचना है ये कि उनके आंगन में रोज़ रात को कीर्तन करते चैतन्य महाप्रभु। और कुछ श्रीवास ठाकुर के बारे में और कुछ? उनका एक ही बेटा था और कीर्तन करते समय रात को खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपने घर की स्त्रियों को रोने नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु के हाँ देखो उनके घर में कीर्तन हो रहा है तो उनका पुत्र है उसका शरीर छूट गया, लेकिन उन्होंने कीर्तन बंद नहीं करने दिया और सबको बोला कि धीरे धीरे रो। स्त्रियाँ रो रही थी तो धीरे धीरे रो, हाँ भगवान के कीर्तन में अगर बाधा हुई तो मैं गंगा जी में कूद जाऊँगा, अपना शरीर त्याग दूँगा। तो उनका जो कीर्तन चल रहा है उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। इतने जो है वो पक्के भक्त हैं,
उनके घर में कीर्तन हो रहा है तो है ना, तो वो अपने पुत्र में भी उनकी मतलब कोई आसक्ति नहीं है ना। तो सुनिए श्रीवास ठाकुर का जो है जो सबसे पहले योगदान हुआ चैतन्य महाप्रभु के मतलब संबंध में, जो उनका अनुकूल जो सेवा हुई वो क्या है। सबसे पहले तो भगवान चैतन्य उनके घर में कीर्तन कर रहे थे, लेकिन शुरू कैसे हुआ है ना, शुरू कैसे हुआ कि उनके घर में कीर्तन चैतन्य महाप्रभु शुरू किया है ना। तो शुरू की बात जो है घटना क्या है उसको सुनिए। शुरू की घटना यह है कि पहले तो चैतन्य महाप्रभु मतलब भक्त का जो है अभिनय नहीं कर रहे थे, एक शिक्षक और जो है व्याकरण के जो है शिक्षक के रूप में लीला कर रहे थे। और जब गया की यात्रा में गए तो वहाँ ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और तब कृष्ण के प्रेम एकदम मतलब पागल हुए। अब वापस आए घर में वापस, तो अब उनका पढ़ाने का जो कार्य बंद ही हो गया, क्योंकि पढ़ा नहीं सकते, हमेशा मुख से कृष्ण की बात निकलती, कृष्ण का ही नाम निकलता, तो पढ़ाना छोड़ दिया। और अब घर में हैं है? तो चैतन्य महाप्रभु नहीं माने जाते, निमाई पंडित या विश्वम्भर, इनके दो नाम हैं। संन्यास जब लेंगे तब उनका नाम जो है श्री कृष्ण चैतन्य वो बढ़ेगा और फिर महाप्रभु भी सब जानेंगे, लेकिन इस समय जो है ये निमाई पंडित हैं या विश्वम्भर, इन दो नामों से जाने जाते हैं। और अभी ये हालत है कि घर में माता हैं, सची माता हैं हैं, और ये जो पुत्र विश्वम्भर हैं हैं, और इनकी मतलब ऐसी चेष्टाएँ, माता बड़ी चिंतित रहती हैं, सची माता बड़ी चिंता करती हैं कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है ना। तो भगवान अगर अपने को ना प्रकट करें तो कौन जान सकता है, और सची माता तो और ज़्यादा उनमें आसक्त हैं, तो अपने पुत्र के रूप में आसक्त हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से, सची देवी माता जो है परम उदार हैं, परम उदार हैं, तो जिसके मुख से जो कुछ सुनती हैं तो वही कहने लगती हैं। कोई कहता है कि इनको जो है सिर में वायु का प्रकोप हो गया है ना, इसलिए ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या पागलपन आ गया है, तो वही जो है माता सची भी बोलने लगती हाँ ऐसा ही है ना। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना, और चिंता से व्याकुल होकर उन्हें कुछ सूझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है ना। वे मन कर्म वचन से गोविंद की शरण लेती हैं कि मेरे पुत्र, अब वो नहीं जानती कि स्वयं उनके पुत्र गोविंद ही स्वयं उनके पुत्र हैं, तो गोविंद की शरण ले रहे हैं। तो गोविंद की शरण ले रहे हैं कि मेरे पुत्र की रक्षा करो, गोविंद की शरण ले रही हैं। और श्रीवास आदि सब वैष्णवों के निकट आदमी भेज भेज कर ये सब वृत्तांत की सूचना दी कि मतलब घर में ऐसा हो गया। तो श्रीवास भी हैं और भी दूसरे घरों में ये समाचार भेजा, आदमियों को भेज भेज के समाचार भेजा कि निमाई की तबीयत जो है कुछ ख़राब चल रही है और स्वस्थ नहीं, ये समाचार उन्होंने श्रीवास पंडित को और दूसरे दूसरे घरों में भेजा, सब घरों में भेजा। चिंताएं व्याकुल सचे कि छो ना ही जाने, गोविंद शरण गे लकाए वाक्य माने, श्रीवासा दि वैष्णव सभार स्थान स्थाने, लोक द्वारे सची करी लेने निवेदन। एक दिन श्रीवास पंडित सची के घर आए, अब एक दिन श्रीवास पंडित सची घर आए है ना। तो इसके पहले और कई लोग आ चुके हैं सच्ची घर में देखने के लिए कि निमाई की कैसी तबीयत है, तो बस अपना अपना बताते हैं मत कि भाई इनको जो है मतलब गर्मी लग गई है ना, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब श्रीवास पंडित भी आए, श्रीवास पंडित भी आए है ना। तो प्रभु ने उठकर सावधानी से उन्हें नमस्कार किया, भगवान जो है श्रीवास पंडित को उठ करके बड़ी सावधानी से नमस्कार करते हैं, मतलब शिक्षा दे रहे हैं ना भगवान कि कोई वैष्णव हो तो उसका कितना जो है सावधानी पूर्वक उसका आदर करो, सत्कार करो। तो बड़ी सावधानी पूर्वक श्रीवास पंडित का उन्होंने नमस्कार किया और भक्त के दर्शन से प्रभु में भक्ति भाव उमड़ उठा। वो तो सच्चे भक्त हैं श्रीवास पंडित है ना,
तो उनके दर्शन से भक्तिभाव उमड़ पड़ा, उनके अंदर भक्तिभाव उमड़ पड़ा और प्रेम के कारण शरीर में रोमांच हो गया, अश्रु आने लगे और कंपन प्रकट हो गया भक्त का दर्शन करके, हैं रोमांच कंपन अश्रु है ना, ये इनको प्रकट हो गए। और उस समय प्रभु तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे थे, परंतु भक्त को देखकर तत्काल ही मूर्छित हो गए। तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं लेकिन भक्त श्रीवास को देखे एकदम मूर्छित हो गए है ना, तत्काल मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में सचेत होकर प्रभु रोने लगे, शरीर अत्यंत कांपने लगा और स्थिर ना रह सके, हैं तो ये हाल हो गया इनका। एक दिन गिराता था श्रीवास पंडित, उठी प्रभु नमस्कार कैल सवाहित, भक्त देखे प्रभु रे बाढ़े ले भक्ति भाव, लोम हर्ष अश्रुपाद कंपे अनुराग, तुलसी रे आछिला करीते प्रदक्षिण, भक्त देखे प्रभु मूर्छा पाहिला तखने। हाँ, ये अद्भुत अवस्था देखकर श्रीवास मन में सोचने लगे, ये तो महान भक्ति योग है, ये पहली बार किसी व्यक्ति ने सही आकलन किया इनकी अवस्था का। पूरे नवद्वीप में कोई नहीं जानता, सब लोग सोचते हाँ तबीयत खराब है, दिमाग में कुछ परेशानी हो गई है, कुछ खराबी आ गई है, ये है वो है, लेकिन आज पहली बार किसी व्यक्ति ने सही आकलन किया। और क्या मन में अभी कुछ बोले नहीं, मन में ही विचार किया, क्या विचार किया, सही भक्ति, हाँ महान भक्ति योग है, ये तो महान भक्ति योग है, कौन ऐसे वायु का प्रकोप कहता है। पहली बार एक व्यक्ति ने बोले कौन कहता है ऐसा वायु का प्रकोप है, तो सब बोल रहे हैं, वो मन में सोच रहे हैं कि तो महान भक्ति योग है, बड़े विद्वान थे श्रीवास पंडित है ना। अद्भुत देखी श्रीनिवास माने गणे, महाभक्ति योगे वायु बोले कौन जने, बाहे पाए प्रभु बोले पंडित स्थाने, कि बुझे पंडित है तो मे मोहर विधाने। तब प्रभु ने सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो। अब भगवान सचेत हुए तो श्रीवास पंडित से पूछ रहे कि पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो। सब लोग तो इसे महा वायु रोग बतलाकर मुझे बांध रखने के लिए कहते हैं। अब आप क्या सोचते हो, सब लोग तो सब लोग हैं, सब लोग कौन, सब एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि मतलब पहचान पाए भगवान को, पहचान की तो बहादुर, कम से कम ये तो पहचानो कि हैं मतलब बहुत बड़ा भक्ति योग है, ये कोई नहीं पहचान पा रहा है। तो भगवान क्या बोले, सब लोग तो मुझे कहते हैं कि वायु का प्रकोप है, मुझे बांध रखने के लिए कहते हैं है ना। पंडित जी तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या जचता है, अब आप निष्पक्ष होकर बताइए आपको कैसा लगता है। भगवान उनको पंडित जी बोलते हैं, तो पंडित ही जो है बता सकते हैं ना सही बात की क्या है ना। तो श्रीवास पंडित बोले, बाहे पाए प्रभु बोले पंडित तेरा स्थाने, कि बोझे पंडित है तो मे मोहर वेधाने, के हो बोले महावायु बांधी मारे तारे, पंडित है तो मारे चित्ते की लय अमारे। श्रीवास पंडित हंसकर बोले, पहली बार के एक व्यक्ति हंसकर बोला है, इसके बाकी जितने लोग हैं बड़े चिंतित होकर के बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया, एक पहली बार है कोई व्यक्ति हंस करके बोल रहा है। श्रीवास पंडित हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ, बड़ी अच्छी वायु है। श्रीवास पंडित बोले, बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। श्रीवास पंडित बोले, तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है। हरि बोल। पहली बार किसी व्यक्ति ने जो है प्रशंसा की और हर्ष प्रकट किया, पहली बार कितनी बड़ी जो है बात है कि किसी व्यक्ति को हर कोई कहता है भाई पागलपन है, वायु का प्रकोप है, ये है वो है ना, पहली बार एक व्यक्ति बोल रहा है ना। अतएव तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई है। हरि बोल। श्रीवास पंडित, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हुई है। हंसी बोले श्रीवास पंडित भाले भाई, तुम्हारे जे मत भाई तहाँ आमी चाई, महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीर, श्री कृष्ण रे अनुग्रह है ले तुम्हारे। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने लगे। हरिओ,
एक व्यक्ति जो है मतलब बता रहा है मेरे बारे में, है ना, कोई हीरे की कीमत जो है जौहरी जानता है, बाकी सब लोग कहते हैं कि हाँ कुछ है, कुछ हाँ कुछ कुछ धोखा है, कुछ धोखाधड़ी है, है सही चीज़ नहीं है। हीरे को भी जो है सब लोग कहते हैं सही चीज़ नहीं है, कुछ कांच का टुकड़ा होगा, कुछ कंकड़ पत्थर होगा, ठीक नहीं है, इसको फेंक दो। एक जौहरी है वो बताता है कि अरे ये तो कोई कीमत ही नहीं है, तो इतना बड़ा हीरा है, वही बात हो गई ना, है यहाँ हीरे को जो कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, है ना, इसको बेकार है, सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो बता रहा है असली हीरा ये तो वो जौहरी है, है ना। तो श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु ने अति प्रसन्न होकर उनको आलिंगन किया और बोले सब लोग तो इसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है। भगवान कह रहे हैं केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की, तो पूरे नवद्वीप में एक व्यक्ति है, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है, अतएव आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूँ। कृतकृत्य हो गया हूँ या एक प्रकार से मतलब तुम्हारा ऋणी हो गया और कृतज्ञ हो गया, आपका कृतज्ञ हो गया, मतलब कोई नहीं मतलब प्रशंसा करता है तो हाँ। ये सोनी ले जाबे श्रीवासेर मुखे श्रीवासेर आलिंगन कैला बड़े सुखे, सबे बोले वायु सबे आसनशीले तुम्हें आज बड़े कृत्य कृत्य है लांग आमी। यदि तुम भी इसे वायु बताते, अब सुनो ध्यान से, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? श्रीवास से कह रहे हैं, यदि तुम भी इसे वायु बताते तो मैं आज अवश्य ही गंगा में प्रवेश कर जाता। अगर तुम भी बताते तो मैं आज अवश्य गंगा में प्रवेश कर जाता। श्रीवास बोले तुम्हारा जो ये भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा शंकर भी आस्वादन करना चाहते हैं। श्रीवास ने और ऊँचा महत्व बताया कि ब्रह्मा शंकर भी इसका आस्वादन करना चाहते हैं। तुम्हारा जो भक्ति योग है, हैं पाखंडी पापी लोग चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहें, हम तो सब मिलकर अब एक स्थान पर कीर्तन किया करेंगे। तब कीर्तन शुरू हुआ, हम लोग अब एक पाखंडी पापी लोग जो कुछ भी कहें कहते रहें, हम लोग तो एक स्थान में कीर्तन किया करेंगे। श्रीवास से बोले ने जे तुम्हारे भक्ति योग ब्रह्मा से वैश्व का दीवान छे यही भोग, सभे मिली यही ठाई करीबे कीर्तन ये ते कहने ना बोले पाखंडी पापी गण। फिर श्रीवास सची माता से बोले अब आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। सची माता को क्या बोले, बड़ी चिंतित हो रही है, माता से बोले अब अपने चित्त का सब दुख दूर कर दो, अब आप अपने चित्त का सब दुख दूर कर दो। मैं आपसे कहता हूँ ये वायु नहीं है, ये कृष्ण भक्ति है, इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहें तो बाहर वालों से कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना कुछ भी, हमारे पुत्रों क्या हो गया देखो आओ, क्या हो गया क्या हो गया, चिंता बिल्कुल ना करो, ना बाहर वाले लोगों को कुछ बोलो। अगर कृष्ण के रहस्य देखना चाहते हो तो बाहर वालों से कुछ भी न कहो। सची पति श्रीनिवास बालीला वचन चित्ते रह जाते के दुख का रहा खंडन, वायु न है कृष्ण भक्ति बालीले तो मारे यह कबू अन्य जन है बोझी मारे नारे। इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए, इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा राहत है, कितनी बड़ी राहत मिली चैतन्य महाप्रभु को और सची माता को, भगवान की माता को भी राहत मिली और भगवान को बड़ी राहत मिली, है ना। इतना कहकर श्रीवास अपने घर चले गए और सची माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भय दूर हो गया। तथापि सची माता का मन भीतर से दुखी था, कारण कि उनके मन में ये पुत्र आगे चलकर कहीं घर ना छोड़ जाए इस बात का भय है। इस प्रकार प्रभु भगवान लीला कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है घटना, वो तो कथा मैंने अब आगे की छोड़ रहा हूँ क्योंकि श्रीवास के संबंध में इतनी कथा है। अब और जो है जो कथा है श्रीवास के संबंध में अब उसको सुनिए ना। अब वो तो भगवान फिर श्रीवास के घर में करते ही हैं कीर्तन करने लगे, पूरी रात कीर्तन करते थे।
है ना। अब महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जिसे देखकर सब भक्तों के दुख नाश होने लगे। सब भक्तों को बड़ा दुख होता था ये देख करके कि जो पाखंडी लोग हैं वो कीर्तन की निंदा किया करते हैं और हंसी उड़ाते हैं, तो उनको बड़ा दुख था। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है कीर्तन करने लगे सेवा से घर में, तो सब भक्तों का दुख नाश होने लगा। अब उनके मुंह बंद होने लगे, जो निंदा करते थे उनके मुंह बंद हो गए। चैतन्य महाप्रभु जो है कीर्तन करते हैं, तो भक्तों का दुख का नाश होने लगा। और श्री सचिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, जिससे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती है। अब नींद भंग हो जाती है उनकी, भगवान जोर जोर से हरि बोल पुकारते हैं ना, और उनका जागरण होने लगता। अब निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता है, क्योंकि निद्रा ही एकमात्र उनका सुख है। बहिर्मुख लोगों को निद्रा ही एकमात्र सुख है ना, और नींद हमें जो है निद्रा का सुख नहीं मिल रहा है ना, तो उनको क्रोध होने लगा, उनको क्रोध होने लगा है। जिसके मन में जो आता वही बकने लगा। अब ये कैसे लोग बकते हैं ना, और किस तरह से अपना सर्वनाश करते हैं, तो ये भी हमें जानना चाहिए। तो लोग जो है बकने लगे, निद्रा सुख भंगे बहिर्मुख क्रुद्ध है, जान जे ने मत इच्छा बली अमर है। कोई कहता क्या इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते, कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे। तो केवल वो आकाश का फोन है, उसको जो है बताने स्कोर शीट के लिए। हाँ क्या सुना हाँ, नींद खराब हो रही है ना। कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, तो भगवान की भी निद्रा भंग हो जाएगी है ना। तो अपने हिसाब से भगवान को भी सोचते हैं, भगवान भी सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, भगवान की है? भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। अब उन भक्तों के लिए बोल रहे हैं, इस कर्म से सब इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। के हो बोले गोसाई रोसी वे घन डाके, ये गुलार सर्वनाश है वह एक पाके। कोई कहता ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल अलग चाल पकड़ ली। ज्ञान योग का विचार करना चाहिए, ये तो कीर्तन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कीर्तन कर रहे हैं, ये क्या है। ज्ञान योग का विचार करना चाहिए है ना, कोई बोल रहा है। कोई कहता है कौन जाने किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ही उपद्रव मचा रहा है, श्रीवास ही उपद्रव मचा रहा है, मांगने खाने के लिए हैं ये मिलकर हरि बोल कह कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो महावायु का प्रकोप हो गया हो। अरे मन मन में करने से क्या पुण्य नहीं होता, मन मन में करने से क्या पुण्य नहीं होता। फिर क्या रात भर चिल्लाने से ही पुण्य होता है। कोई कहता अरे भाई सर्वनाश हो चला, स्त्रीवास के कारण देश का नाश होगा। आज मैंने दीवान जी के यहाँ सब बातें सुनी हैं। अब देखो कहाँ से बातें जो है ये मतलब फैला रहे हैं, जो कोई बात ऐसी है ही नहीं, ये फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं, हमने आज दीवान जी के यहाँ सब बातें सुनी हैं, राजा की आज्ञा से यहाँ पर दो नौका आने वाली है, नौका से आएंगे, राजा की आज्ञा से दो नौका आएंगी, क्योंकि सैनिकों सैनिक लोग आएंगे, राजा की आज्ञा से दो नौका आने वाली हैं। हैं राजा ने सुना है कि नदियाँ में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए इनको पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई। राजा तो मुसलमान है ना, तो मुसलमान ने राजा ने आज्ञा दी है इनको पकड़ लो ना। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, हम सबों का ही सर्वनाश होगा है ना। इस तरह से बोल रहे हैं, मांगिया खाई ते लागे मिली चारी भाई, हरि बलि डाके छाड़े जे न महाबाई, माने माने बलि लेके पुण्य नाही है, रात्रि करे डाके लेके पुण्य जाने महे। मैंने तो तभी चिल्लाकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़ कर गंगा में फेंक दो। अबे कोई ऐसा भी बोल रहा है, मैंने पहले से कह दिया था, परंतु उस समय तो मेरी बात को हंसी समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब इस समय देख लो सर्वनाश होने वाला है। कोई बोला हम लोगों की क्या क्षति है, कोई आकर के ढूंढेंगे तो श्रीवास को बांधकर हम ही दे देंगे।
अगर वो ढूंढेंगे कि भाई कौन कीर्तन करता है, श्रीवास को बांध के हम दे देंगे। इस प्रकार नदिया नगर में बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। पूरे नगर में ये बात फैल गई, जबकि बात है ही नहीं, कुछ कुछ भी बात नहीं है, और पूरे नगर में बात फैल गई। केहो बोले आमारा सभेरे कौन दाए, श्रीवास बांधिया देवे जेवा आशी चाहे। हे मैं हे मत कथा हिला नदिया न करे, राजनों का आई से वैष्णव धरी बारे। तो वैष्णव ने भी ये बात सुनी, क्योंकि तो बहुत से वैष्णव आते थे उनके घर में, श्रीवास के घर में, तो वैष्णवों ने भी ये बात सुनी, परंतु गोविंद का स्मरण करते हुए उन्होंने भय को दूर कर दिया। गोविंद का स्मरण करते उन्होंने अपना भय दूर कर दिया जो भक्त आते थे, परंतु वे बोले कि सच तो वही होगा जो श्री कृष्ण करेंगे, उन प्रभु को रहते हुए हमें किस अधम का भय। भक्तों ने सोचा जो कृष्ण करेंगे तो होगा, इन दुष्टों का हमें क्या भय, ऐसा दूसरे भक्तों ने सोचा। वैष्णव सम्मा जे सब एक कथा सुनीला, गोविंद स्मरी सब भय निवारीला। जे करी वे कृष्ण चंद्र सही सत्य है, से प्रभु था कि कौन अधम मेरे भय। श्रीवास पंडित परम उदार थे। अब श्रीवास पंडित की बात अलग है, उनके घर में कीर्तन हो रहा है ना, उनको तो चिंता हो गई ना, उनको चिंता हो गई कि उनके घर में कीर्तन हो रहा है, अगर मानो राजा के सैनिक आएंगे तो हमारे घर में क्या करेंगे, हमारे घर परिवार, कितना बड़ा उनका घर परिवार है, तो उसमें जो है आतंक करेंगे, मारपीट करेंगे, क्या करेंगे, और वैष्णव लोग जो हमारे घर में आए वैष्णवों को मारपीट करेंगे, तो उनको तो बड़ा इस बात से भय हो रहा है कि मेरा पूरा मुझे दोष लगेगा, है ना। तो बाकी तो वैष्णव लोग हैं, उनको तो चिंता नहीं है, क्योंकि वो इनके घर में आते हैं, तो उनके घर में तो कोई आएगा ही नहीं, कीर्तन तो इन्हीं घर में होता है, तो दूसरे भक्तों को तो इतनी चिंता नहीं, लेकिन श्रीवास को चिंता होनी भी चाहिए, होनी चाहिए ना, है तो उनको है। श्रीवास पंडित बड़े उदार थे, जो सुनते उस पर विश्वास भी कर लेते, विश्वास भी कर लेते, और मुसलमानों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। भक्ति हृदय की इस बात को श्री गौरचंद्र जान गए, भगवान तो है साक्षात, भक्त के हृदय की बात को गौरचंद्र जान गए। एक भक्त को चिंता हो रही, बाकी सब भक्तों को कोई चिंता नहीं, एक भक्त को चिंता हो रही, और वो बहुत बड़े भक्त हैं, जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन करें, उस भक्त को चिंता हो तो भगवान जो है हैं जान गए, भक्त की चिंता को गौरचंद्र जान गए। श्रीवास पंडित बड़े पारा में उदार, जे ही कथा सुने ताहि प्रतीत तहर। यवने रे राज्य देखी मने हैला भय, जानी लेने गौरचंद्र भक्त रे हृदय। भक्त के हृदय की इस बात को श्री गौरचंद्र जान गए। भक्त जन अभी नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण हैं साक्षात, अभी भक्त लोग नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि निमाई पंडित जो है हमारे नेता हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोगों को कीर्तन करने का अवसर मिलता है, और पाखंडियों का जो है अब जो है मुंह बंद हो गया, तो उनको खुशी हो रही है इस बात, ये नहीं जानते साक्षात हमारे ही भगवान हैं ये, है ना। हाँ, अतः अब सचिन नंदन ने जनाना आरंभ किया, अब भगवान जनाना शुरू कर रहे हैं, क्यों, भक्ति चिंता को देख करके भगवान अब जनाना चाहते हैं। प्रभु अब तीर्ण नाही जाने भक्त गण, जानाई ते आरंभिला श्री सचिन नंदन। तो बहुत सुंदर हैं भगवान, है ना, भगवान कामदेव से अति सुंदर हैं, और नदिया नगर में निर्भय होकर विचरने लगे, ऐसे विचरण कर रहे हैं बिल्कुल राजा की तरह, राजकुमार की तरह विचरण कर रहे हैं, है ना, सुगंधित चंदन से पूरा शरीर जो है चर्चित है, सुगंधित चंदन से पूरे शरीर में जो चंदन लगा हुआ है, और शीश पर घुंघराले केसों की शोभा बनी है, कंधे पर यज्ञोपवीत शोभित है, और दिव्य वस्त्र पहने हुए अधरों में पान शोभित है, और गंगा के तट पर आए जो पुण्यात्मा थे प्रभु को देख करके हर्षित हो रहे थे, जो पुण्यात्मा थे ऐसे प्रभु को देख करके हर्षित हो रहे थे, और पाखंडी लोग मुरझा जाते हैं, पाखंडियों को थोड़ा डर लगता है भगवान को देख करके, अब भक्तों को जो है भय पैदा करते हैं भगवान, तो पाखंडियों को जो है देख करके डर लगता है, कोई कहता इतने भय की बात होने पर इसे भय नहीं लगता, अभी तो इतनी ज़्यादा भय की बात फैल गई ना पूरी नदियाँ में, और ये कैसे चल रहे हैं निर्भय होकर के,
तो आपस में ताना फूसी, इतने भय की बात होने पर भी इसको भय नहीं लग रहा है ना। ऐसे ये राजकुमार की तरह घूमता फिरता है। दूसरा कहता, अरे भाई सब समझ गया, ये जो कुछ देखते हो भागने की चाल है, ये भागने की चाल है। प्रभु विश्वंभर निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे, सामने गंगा जी की धारा, और प्रभु ने देखा गऊओं का झुंड चल रहा है और हम्बा करती पानी पीने के लिए आ रही हैं। कोई पूछ उठाकर चारों ओर दौड़ती हैं, कोई जल पीती हैं। देखकर प्रभु गरजते हुए हंकार करने लगे और बारम्बार कहने लगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मतलब गऊओं को देखकर उनको याद आ गया कि मैं कौन हूँ, गोपाल, गऊओं को पालन करने में मैं ही हूँ। तो भगवान कहे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, इस प्रकार से कहने लगे। गुरु एक युद्ध देखे पुल नेते चारे, हम मगर रब करी आए से जल खाई बारी, उर्ध पुछ करी के हो चतुर्द के धाय, के हो जो है के हो सोए के हो जल खाए, देखिया गर जाए प्रभु का रहे हुंकार, मुही से ही बोले बार बार। ऐसा कहते हुए वे दौड़कर श्रीवास के घर पहुँचे। दौड़ करके कहाँ पहुँचे, श्रीवास के घर पहुँचे। वैसे तो रात में पहुँचते थे, रात भर कीर्तन करते थे, दिन में तो अपना कुछ काम नहीं था, लेकिन मैं वही हूँ क्या कहे, श्रीवास के घर की ओर दौड़े। भगवान दौड़े और घर पर पहुँचे और बड़े गर्व के साथ बोले, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। अब वैसे तो श्रीवास पंडित बोलते हैं, बहुत आदर पिता के समान है, लेकिन अभी ईश्वर भाव में क्या बोलते हैं, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। अब ईश्वर भाव में है, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। जिस कमरे में श्रीवास नरसिंह की पूजा कर रहे थे, नरसिंह की पूजा कर रहे थे, भय होता है तो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं कि आप भय दूर करो, है ना। तो नरसिंह की पूजा कर रहे थे श्रीवास, जिस कमरे में है उसके द्वार पर प्रभु बारम्बार लात मार रहे हैं, है ना, जहाँ पूजा करें वहाँ पर लात मार रहे हैं और कहते हैं, अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। भगवान कह रहे हैं, ये पहली बार है ना, भगवान कह रहे हैं जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख, है ना। भगवान ऐसा बोले, एते मत धैया गेला श्रीवासी रे घरे, कि करे से श्रीवासीता, बोले अहंकारे नरसिंह पूजा ऐसे निवास जय घरे, पुनः पुनः लाथी मारे ताहारे दुहारे, कहारे बापू जिस करे से कार ध्यान, जहारे पूजे से तारे देखे विद्यमान। अग्नि के समान श्रीवास जी की समाधि का ध्यान भंग हो गया और चारों ओर देखने लगे तो देखा कि विश्वंभर ही चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं सामने, चार भुजाएं। भगवान जो है विश्वंभर जो है चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं और सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और हुंकार कर रहे हैं। ये देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा, इतना प्रेम से कांपने लगे, है ना। देखे वीर आसन है बस आदि विश्वंभर, चतुर्भुज संग चक्र गदा पद्म धर्म, गर्जित अच्छा जे न मत सिंह सार, वाम कक्ष ताली दिया कर हुंकार। हक्के बक्के रह गए और मुंह से कुछ ना बोल सके, कौन, श्रीवास हैं, मुंह से कुछ ना बोल सके। प्रभु पुकार कर बोले, अरे श्रीवास तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना। अब भगवान कह रहे हैं, इतने दिन तक तूने मेरे अवतार को नहीं जाना, अब ना जनाए तो कौन जान सकता है। अब कहे तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना, तेरे उच्च संकीर्तन और नाड़ा के हंकार से मैं वैकुंठ छोड़कर सब परिवार सहित यहाँ पर आया। तेरा उच्च कीर्तन और नाड़ा की हंकार, नाड़ा कौन है, अद्वैताचार्य, तो नाड़ा की हंकार कुछ सुन करके वैकुंठ से मैं आया हूँ, परिवार सहित आया हूँ। परिवार सहित वैकुंठ के भक्त भी जो है अवतीर्ण हुए हैं भगवान के साथ, तो परिवार सहित आया हूँ। तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है, तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है, मतलब कोई चिंता ही नहीं करता कि मेरा स्वागत कर, सत्कार कर, स्तुति कर, पूजा कर, तो तू निश्चिंत है। तूने मुझे बुलाया, अब निश्चिंत हो गया है तू, है ना। किसी को बुलाओ तो फिर आदर सत्कार भी तो करो,
है ना, तो कुछ करते नहीं हो, बुला लिया मुझे है और निश्चिंत हो गया है तू, और नाढ़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है, जिसने ओंकार किया इसने वो शांतिपुर चला गया है नाढ़ा, है ना है? तो कैसी रीति है आप लोगों की, भगवान की कैसी रीति है आप लोगों की देखी यहाँ लेखम श्रीवास शरीर स्तब्ध है श्रीनिवास के छुई निस्फुरी, डाकिया बोले प्रभु आरे श्रीनिवास एत दिन न जाने से आमारे प्रकाश, तोरे उच्च संकीर्तन नाढ़ा रे हंकारे छाड़िया वैकुंठ आई नु सर्व परिवारे। मैं साधुओं का उद्धार करूँगा, क्या करूँगा? साधुओं का उद्धार करूँगा। गीता में क्या है? परित्राणाय साधूनां। मैं साधुओं का उद्धार करूँगा और दुष्टों का विनाश करूँगा। गीता में क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम्। तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति पढ़। तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति पढ़। हाँ, तो मतलब क्या है? कीर्तन कुछ रोकने के लिए कोई आएंगे तो कैसे रोक सकते हैं? मैं अगर हूँ तो दुष्टों का तो विनाश करने वाला मैं हूँ, साधु की रक्षा करने वाला तो मैं हूँ, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हैं? तो ये भगवान को जरूरी था, इसलिए भगवान ने अपने को प्रकट किया, नहीं तो भगवान अपने को प्रकट नहीं करना चाहते। ये जो झूठे अवतार होते हैं अपने को प्रकट करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई बुलाओ सबको, हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, ऐसे भगवान हैं। ये भक्त का जब भय देखते हैं तब अपने को प्रकट करते हैं, भय दूर करने के लिए। और उन्होंने अंत में भगवान ने ये कहा कि मेरी स्तुति पढ़ो, चिंता मत करो, मेरी स्तुति पढ़ो, मेरी स्तुति का पाठ करो, है ना। साधु उद्धारे मो दुष्ट विनाशी मुसम तोरे के चो चिंता ना है पढ़े मोर स्थव। प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया और प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम में रोने लगे। हरि वो प्रेम में रोने लगे और हृदय का भय दूर हो गया। श्रीवास पंडित एक तो वैसे ही महाभागवत और फिर भगवान की आज्ञा हुई, अब तो उनका बोलना ही बोलना है। महाभागवत तो भगवान का ही गुणगान हमेशा करता है और जब बोला करो तो फिर तो और मनचाही हो गई है। तो श्रीवास जो है उनकी मनचाही हो गई, स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है उसका पहले श्लोक पाठ किया इन्होंने। सहजे पंडित बड़े महाभाग्यवत आज्ञा पाए स्तुति करे जैन अभिमत, भाग्यवत आछे ब्रह्म महापनो धने से श्लोक पाठी स्तुति करे प्रथमे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नौमी दिदे ब्रह्मपुषे दडिदंबराय गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्तजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मणश्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आपका नव मेघ के समान श्यामल शरीर है और बिजली के समान आप पीतांबर धारण किए हैं, कानों में गुंजा के भूषण और शीश पर मोर पंख धारण कर रहे हैं, आपके वक्षस्थल पर वनमाला शोभित है, बाई हथेली पर दही भात का कौर है। ब्रह्मा जी जब दर्शन किया तो बाएं हाथ में दही भात का कौर है और बगल में बैंत है, कमर की फेंट में वेणु है, इन चिन्हों से आपकी विशेष शोभा हो रही है, आप सुंदर चरणों वाले हैं और श्री नारायण साक्षात स्तुति के योग्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब उन्होंने जो है शुरू कर दी अपने शब्दों में, तो ब्रह्मा जी के शब्द तो बोल दिए कि श्लोक श्रीमद् भागवत का, है ना, फिर अपने शब्दों में अब बोलने लगे। श्रीवास क्या स्तुति पढ़ रहे हैं सुनो बड़े ध्यान से। श्री विश्वम्भर के चरणों में मेरा नमस्कार है। विश्वम्भर कौन है? हाँ, विश्वम्भर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ को भी जीतने वाला है, जो पीताम्बर पहने हैं। सजी नंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही भूषण हैं। तो प्यार में आधा जो है, आधी प्यार में तो वर्णन चैतन्य महाप्रभु का है और आधी जो अगली आधी प्यार है उसमें कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, इस तरह से ये वर्णन कर रहे हैं, है ना। गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो वनमाला पहने हुए हैं और जिनके हाथ में दही भात का
ग्रास है ना। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरण में मेरा नमस्कार है, जिनके मुख्य रूप माधुरी करोड़ चंद्रमाओं को जीतने वाली है, जिनके भूषणों के सिंग हैं, जिनके आभूषण सींग बैंत और वेणु हैं, वही तुम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो। चारों वेद जिसको नंद कुमार कहकर घोषणा करते हैं वे आप ही हैं, आपके चरणों में नमस्कार है। इस प्रकार श्रीवास पंडित जो है स्तुति करने लगे और जो मुंह में आ रहा है सो आप बोलने लगे। अब उनके मुंह से धड़ाधड़ निकलते जा रही स्तुति है ना। तो श्रीवास पंडित क्या बोले, बिन संभर चरण आमार नमस्कार, नवघन जिन्य वर्ण पीत वास जार, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज सिखी पुष्य भूषण जहार, गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वन माला कार्य दधि ओदन जहार, जगन्नाथ पुत्र पदे मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिन्य रूप बदन जहार, सिंगावित्र वेणु सिंह चिन्ह भूषण आहार, से तुम्हें नव दिव्य कैले अवतार। हे प्रभो तुम विष्णु हो, तुम यज्ञेश्वर हो और गंगा तुम्हारा ही चरणों का जल है, तुम जानकी वल्लभ श्री राम हो, तुम नरसिंह हो, ब्रह्मा शंकर आदि तुम्हारे चरणों के हैं दास हैं, तुम वेदांत वेद्य हो, तुम ही नारायण हो, तुमने वामन बनकर बलि को छला, तुम हयग्रीव हो, तुम ही सबके तारक नीलाचल निवासी जगन्नाथ हो, तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा, तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा, सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपकी महिमा नहीं जानती हैं, जो सदा साथ रहते हैं वो भी लक्ष्मी जी आपकी महिमा नहीं जानती हैं, जो साथी सखा भाई के रूप में सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं, ये प्रभु बलराम भी तुम्हारी माया से मोह में पड़ जाते हैं तो वो भी आपको नहीं जान पाते है ना। फिर औरों की तो बात ही क्या, प्रभु तुमने मुझे भी इस मिथ्या गृहस्थ में भुला रखा है। श्रीवास कहते हैं तुमने मुझे मिथ्या गृहस्थ में भुला रखा है, तुम्हें ना जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है, तुम्हें ना जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। हे नाथ तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला, तुम मेरी पूजा की डाली उठाकर चलते थे कि भक्ति सेवा करना है, तो मेरी पूजा की डाली उठा करके चलते थे और धोती तक उठाकर चलते थे, उससे प्राणनाथ मुझे भय नहीं है, प्रसन्नता है, कारण कि आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए, मुझे तो प्रसन्नता है आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिल गए। आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया, आज मेरा शुभ दिवस उदय हुआ, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे कर्म सफल हुए, आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हुए, आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया, आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया, आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, आज मैं इन नेत्रों से आपको देख रहा हूँ जिनके चरणों की लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तुम्हें तो विष्णु तुम्हें तो कृष्ण तुम्हें तो यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरण दख गंगा तीर्थ भर, जाना के वल्लभ तुम्हें तो तुम्हें तो नार सिंह, आय भाव आदि तोर चरण तुम्हें तो से वेदांत वेद्य तुम्हें तो नारायण, तुम्हें तो से छलीला बलि हैया वामन, तुम्हें तो हय ग्रीव तुम्हें तो जगत जीवन, तुम्हें तो नीला चंद्र चंद्र सा भर तारण, तुम्हारे माया है कारण नाही हय भंग, कमल न जाने जार सन एक संग, संगी सखा भाई सर्व मत से वेजे, हे न प्रभु मोह माने अन्न जन के, मिथ्या ग्रह वास मोरे पाड़िया से भोले, तो माना जाने या मोरे जन्म झील हेरे। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में आ गए, क्या हो गया उनको, आवेश हो गया, आवेश में आ गए और भुजा उठाकर रोने लगे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। हरि बोल। श्री गौर चंद्र के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान हैं श्रीवास धरती पर लोट पोट हो गए, पहली बार जीवन पहली बार अपना परिचय दिया है, हैं कितने साल हो गए, 22 साल हो गए, 22 साल तक अपना परिचय नहीं दिया है ना, धरती पर लोट पोट हो रहे हैं। श्रीवास के तन मन में अद्भुत सुख हुआ, आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी, भगवान हंसते हंसते सुन रहे और दयापूर्वक श्रीवास से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र जितने हैं सबको बाहर बुलाओ और वे सब मेरा रूप देखें, सबको बाहर बुलाओ। बाहर का मतलब घर के अंदर ही हैं, घर तो बहुत बड़ा है, जिस कमरे में है श्रीवास उस कमरे में भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, तो कहते सबको बाहर बुलाओ, कमरे के अंदर तो सब आ नहीं पाएंगे,
कम से कम 200-300 लोग रहते उनके घर में, उनका इतना बड़ा परिवार और दास दासियों का भी परिवार, उनके बच्चे भी सब पलते, और सबको बाहर बुलाओ, कमरे के अंदर तो आ नहीं पाएंगे ना, तो बाहर का मतलब घर के अंदर ही है, आंगन में, तो सब लोग बाहर से दर्शन करें कमरे के अंदर। तो भगवान कहते हैं सबको बाहर बुलाओ, हाँ सबको बाहर बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखें, तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो, क्या करो तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो, हासिया सुने ने प्रभु श्री वारे सुती दशा दय हैया, बोले श्री वासी रे प्रति स्त्री पुत्र आधे जाते तुम्हारे बाढ़ीर, देखो के हमारे रूप का रहा बाहिर, शस्त्री के हैया पूज चरण अमार, वारे मांग जे ने इच्छा थके तुम्हार, हैं और जो इच्छा हो वो वर मांग लो, पूजा करो मेरी पूजा करो, और जो इच्छा हो वर मांग लो, ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान हैं। उन्होंने प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार से सीख दिया गए, सबको बुला लिया, तुरंत आ गए अपने परिवार से आ गए, और विष्णु पूजन के जितने फूल थे सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए, विष्णु पूजन जितने फूल थे सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए, सुगंधी माला धूप दीप के द्वारा चरणों की पूजा की, स्त्री सहित अब श्रीवास रोने लगे, स्त्री सहित रोने लगे, फिर भाई पत्नी दास दासी सबको लेकर प्रभु के चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीवास के प्रियकर्ता विश्वंभर प्रभु ने सबके सिर पर अपना चरण रख दिया। हरि ओम। विष्णु पूजा ने मित्र जाते के पुष्प छिल, सकले प्रभु रे पाए साक्षात ही दिल, गंधमाले धूपे दीपे पूजे श्री चरण, शस्त्र के हैया विप्रकार क्रंदन, भाई पत्नी दास दासी सकल लैया, श्रीवास कर काको चरण पढ़िया। प्रभु अलक्षित रूप से सबके सिर पर चरण स्पर्श करते हुए भ्रमण करने लगे और हंसकर बोले मुझमें सबका चित्त लगे, क्या बोले मुझमें सबका चित्त लगे, इससे बड़ा और क्या वरदान, मुझमें सबका चित्त लगे, फिर हुंकार गर्जन करते हुए श्रीवास को संबोधन करके बोले, श्रीवास है श्रीनिवास है प्रिय कारी प्रभु विश्वंभर, चरण दिले ने सर्व से रे रे ऊपर, अलक्षित बोले प्रभु माथा है सभार, हासी बोले मोर चित्त है ओ सभाकार। हे श्रीवास क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? अब सीधी बात जो असली बात थी वो भगवान बोल रहे हैं, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए राजा की नौका रही है, तो सुनो अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव बसते हैं, एक नहीं अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव बसते हैं उन सब का मैं स्वेच्छानुसार प्रेरक हूँ, अतः जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर से बुलवाऊँगा तभी वो पकड़ने के लिए बोलेगा भगवान के, मैं तो सबके शरीर में हूँ। यदि ऐसी बात नहीं हुई और स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे तो मैं ये भी चाहता हूँ, अगर वो फिर भी आज्ञा करे स्वतंत्र रूप से तो मैं ये भी चाहता हूँ ना, कि मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूँगा और इस प्रकार जाकर राजा के सामने पहुँचूँगा, मुझे देखकर राजा क्या अपने आसन पर बैठा रह सकेगा? मैं जाऊँगा तो क्या वो आसन पर बैठा रह सकेगा? मैं उसे बेहबल बनाकर वहीं ना गिरा सकूँगा क्या? भगवान के मैं उसको बेहबल बनाकर क्या नहीं गिरा? अनंत ब्रह्मांड माजे जते जीव वैसे, सभारे पे रखे आमी आप नारे रसे, मुई यदि बोलंग सही राजा रे शरीरे, तब ऐसे बले वैसे ही धरी भारे थरे, यदि वह मत ना है स्वतंत्र है या धरी भारे बोले तब मुई चाहूया। यदि ऐसा ना हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा तो वो तो मैं चाहता ही, अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ मान लो कि मैं उसको मैं नहीं गिरा गिराया है ना, और वो स्वतंत्र रूप से बोले मुझसे तो ये भी मैं चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, और मैं उससे जो कहूँगा वो तुझसे कहता हूँ तू सुन, भगवान कहते हैं मैं तुझसे कहता हूँ तू सुन, मैं कहूँगा हे राजा सुन सुन सत्य मिथ्य है को पहचान, जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला यहाँ पर, भगवान के मैं बोलूँगा राजा से हैं जितने तेरे काजी मुल्ला हैं उन सबको यहाँ बुला, और तेरे जितने हाथी घोड़ा पशु पक्षी हैं उन सबको भी यहाँ बुला,
यहाँ मंगवा ले। फिर अपने सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा कर कि अपने शास्त्र कुरान पढ़कर इन पशु पक्षियों को रुलाएं। अगर तुम्हारी शक्ति है तुम्हारे धर्म में तो शास्त्र कुरान पढ़ करके पक्षियों को प्रेम से रुलाएं, उनमें प्रेम पैदा कर, पक्षियों को पशुओं को प्रेम पैदा कर दे। वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूँगा। मैं कहूँगा अरे राजा तो इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद कराता है। ये काजी मुल्ला तेरे जो है हैं ये जो है कहते हैं इनके कहने से तो संकीर्तन बंद कराता है हैं। इनकी जितनी शक्ति है वो तूने देख ली, अब तुम आँख खोल कर मेरी शक्ति देख ले। अब तुम आँख खोल कर मेरी शक्ति देख। इतना कहकर मैं एक मतवाले हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको वहाँ इकट्ठा करूंगा, वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। भगवान ने कहा हस्ती घोड़ा पशु पक्षी जत तोर आछे सकल आना है राजा अपना रे काछे। ए बेहन आज्ञा कर सकल काजी रे अपना रे शास्त्र बलि कांदा उषा भारे न पार ले तारा जदि एते के करीते तब से अपना व्यक्त कर दी मेरा जाते। श्रीवास यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता, अब भगवान हृदय की बात जानते हैं ना कि विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जब तक करके ना दिखाएं तो कैसे विश्वास होगा। तो यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हारे सामने करके दिखाता हूँ, क्योंकि भगवान कहते वहाँ जाके मैं करके दिखाऊंगा, तो यहाँ तो कभी दिखाए नहीं करके, तो वहाँ मुसलमान राजा के आगे करके दिखाएगी आप, तो यहाँ यहाँ भी तो कुछ दिखाओ करके। तो भगवान कहते करके दिखाता हूँ, आप करके क्या दिखाएं, जितने हाथी घोड़ा और पशु पक्षी हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं कोई, यहाँ पर कहाँ है हाथी घोड़ा पशु पक्षी, यहाँ तो कोई है नहीं। तो फिर भगवान की करके दिखाता हूँ, अब क्या दिखाएं, किसको दिखाएं, तुम अपनी आँखों से देख लो। श्रीवास की भतीजी नारायणी एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा। अब पशु पक्षी कुछ नहीं मिली तो एक छोटी सी बच्ची मिली, तो वो भी तो वैसे ही है नादान, जैसे पशु पक्षियों की चेतना ऐसे चार साल की बच्ची नारायण में उसको क्या भक्ति है, मतलब वो क्या जाने भक्त, अगर दूसरे भक्तों को रुलाएं तो वो तो वैसे ही रोते हैं प्रेम में, श्रीवास तो वैसे ही प्रेम में रोते हैं। तो भगवान अगर प्रेम से रुलाएंगे इन भक्तों को श्रीवास को तो वो कोई खास बात तो है ही नहीं। तो चार साल की बच्ची नारायणी है अबोध बालिका, उसको भगवान ने देखा और आज्ञा की नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो दो। चार साल की बालिका को कृष्ण कृष्ण कहकर रो दो, कैसे कोई बच्चा रोएगा कृष्ण कृष्ण कह के रो नहीं, जब तक तमाशा ना मारो तब तक बच्चा थोड़ी रोएगा, तो कृष्ण कृष्ण कहकर के रोए है ना, आप किसी बच्चे को बोलो तो क्या रोएगा नहीं है ना। चार वर्ष की बालिका प्रेम उन्मत्त हो गई, हरि बोल, प्रेम उन्मत्त हो गई और हाँ कृष्ण कहकर रोने लगी और कुछ भी ज्ञान उसको नहीं रहा। आंसुओं की धारा उसके शरीर को भिगोते हुए पृथ्वी पर बहने लगी और पूरा स्थान जल से भर गया। इतने हरि बोल, चार साल की बालिका को करा सकते हैं तो पशु पक्षियों को भी करा सकते हैं। यहाँ ते माँ अप्रत्यय तुम ही वास माने सच ते करो देखे आपने न जने सम्मुखे देखे एक बालिका आपानी श्रीवास रे भ्रातृ सुधा नाम नारायणी सारी वसा रे रे सही उन्मत्त चरित हा कृष्ण बालिया कांधे न एक स्तंभित है। तब प्रभु विश्वम्भर हंस हंस कर कहने लगे अरे श्रीवास अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया, अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया। श्रीवास बड़े भारी वक्ता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले आपकी जो काल मूर्ति है संपूर्ण सृष्टि का संहार कर डालती है, तब भी आपकी कृपा बल से मैं भयभीत नहीं होता। श्रीवास बोले आप काल के रूप में सबका संहार करते हैं तो फिर मैं भयभीत नहीं होता हूँ, फिर इस समय जबकि आप मेरे घर में हैं मुझे किसका भय। कहते कहते श्रीवास को आवेश हो गया, आवेश हो गया, आनंद पूर्वक परिवार से प्रभु का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन के अभिलाषा करते हैं उनको श्रीवास के सब दास दासी देख रहे हैं, दास दासी भी देख रहे हैं।
श्रीवास के उदार चरित्र को क्या कहूँ, जिनकी चरण रस से संसार पवित्र होता है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव जी घर में हुआ, परंतु लीलाएं सब नंद बाबा के घर हुईं, वैसे ही गौर अवतार भी हुआ तो जगन्नाथ मिश्र के घर में, परंतु सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में ही हुई। हरि बोल। अखन नकार भय तोर नाम भले, एखन के शेर भय तुम मोर घरे, भली आविष्ट हैला पंडित श्रीवास, गोष्ठी रे सहित देखे प्रभु रे प्रकाश। श्रीवास पंडित सब वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं, उनके घर जाने में ही सबको बड़ा आनंद होता है। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास दास उन्हीं को सुखपूर्वक आँखों से देख रहे हैं, और श्रीवास के घर के बाहर कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। श्रीवास के घर की चार दीवारी के बाहर किसी को कुछ पता नहीं है, और चार दीवारी के अंदर जितने रहने वाले हैं सब देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णव सेवा से ही इतनी बड़ी जो है प्राप्ति होती है ना। इसीलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। हरि बोल। वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वम्भर ने श्रीवास को आज्ञा की कि तुम ये प्रसंग किसी को सुनाना नहीं। अब देखो श्रीवास के घर के अंदर जितने 200-300 लोग हैं वो तो सब देख रहे हैं, अब बाहर कोई समाचार नहीं जाएगा, बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं। देखो इतना भगवान की आज्ञा है कि ये प्रसंग किसी को सुना नहीं। फिर बाहरी दशा में आ गए पर प्रभु विश्वामित्र बड़े मन में लज्जित हुए और अपने घर चले गए। कृष्ण अवतार जेने वसुदेव घरे, जत के बिहार सब नंदिरे मंदिरे, जगन्नाथ घरे हैले ऐ अवतार, श्रीवास पंडित गृह सकल बिहार। तब तो श्रीवास पंडित पत्नी वधु भाई दास दासी सबके सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की उसे जो कोई भी सुनेगा, सुना है, हैं? तो जो कोई सुनेगा तो कान खोल के सुनो, उसका क्या होगा? जो सुनेगा उसका क्या होगा? कान खोल के सुनो। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की उसे जो कोई भी सुनेगा वो श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। सर्व वैष्णव प्रिय पंडित श्रीवास, तारे बाड़ी गेले मात्र सभारे उल्लास, अनुभवे जारे स्तवे करे वेद मुखे, श्रीवास रे दास दासी तारे देखे सुखी, एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिलाए कृष्ण वैष्णव कृपाए, श्रीवास रे आज्ञा कैला प्रभु विश्वम्भर, न कहियो ये सब कथा कहारो गोचर, बाहे पाए विश्वम्भर लज्जित अंतर, आश्वासी श्रीवास रे गेला निज घर, सुखमय हैला तबे श्रीवास पंडित, पत्नी वधु भाई दास दासी रे सहित, श्रीवास कारी ला स्तुति देखी या प्रकाश, श्रीवास हैला श्रीवास कारी ला स्तुति देखी या प्रकाश, यह जय सुने से है कृष्ण दास, यह सुने से है कृष्ण दास। जो भी सुनेगा वो कृष्ण का दास हो जाएगा। कितनी शक्ति है, हैं? शंकर ब्रह्मा भी है जो वांछा करते हैं वो जो है सेवा उसको मिल जाएगी, है ना। अंतर्यामी रूपे बल राम भगवान, आज्ञा कैला चैतन्य रहेगा ये दया ख्यान। तो भगवान बलराम ही अंतर्यामी हैं, उनकी आज्ञा से ही मैंने ये चरित्र लिखा है। ये ग्रंथकार कह रहे हैं कि उनकी बलराम जी की आज्ञा से मैंने ग्रंथ लिखा है, है ना। इसीलिए मैं ये सब कुछ गा रहा हूँ श्री वैष्णवों के चरणों में। मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में मेरे प्रभु श्री बलराम जी हों। वैष्णवों के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, जैसे नरसिंह यदु सिंह में केवल नाम मात्र का भेद है, वैसे नित्यानंद और बलराम में भी कोई भेद नहीं। वही बलराम है, वही नित्यानंद है। बलराम जी जिनको अवधूत चंद्र नित्यानंद के नाम से जाना जाता है, चैतन्य के प्रिय शरीर हैं। भाइयों मध्यखंड की कथा एकाग्र चित्त से सुनो। ये मध्यखंड चल रहा है,
मैं दखंड की कथा एकाग्र चित्त से सुनाओ, जिस प्रकार प्रभु ने एक वर्ष तक कीर्तन किया वो इसमें वर्णित होगी कथा। एक साल तक भगवान ने श्रीवास के घर में रोज रात कीर्तन किया। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को अपना सर्वस्व जानकर वृंदावन दास उनके चरणों में उनका ही गुणगान करता है। सुखमय हई लेता वे श्रीवास पंडित है, पत्नी वधु भाई दास दासी रे सहित। चैतन्य रे चैतन्य चंद्र रे प्रिय विग्रह बलाई, इत ये अवधूत चंद्रकारी जारी गई। मध्य खंड कथा भाई सुन एक चेते, बसरे के कीर्तन कारी रजे ने मते। इस प्रकार से हमने कुछ कथा सुनी जिनका आविर्भाव आने वाला है, है ना। तो 2 तारीख को आविर्भाव आने वाला है, उस दिन विशेष रूप से आप लोगों को इनके बारे में कुछ कहना है, सुनना है ना। उस दिन क्या होता है, इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है ना। ऐसे तो हर समय भक्तों का गुणगान करो, श्रीवास पंडित का जो है हर समय गुणगान करो, तो भगवान की कथा और भक्तों की कथा में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन जब आविर्भाव दिवस आता है उस दिन विशेष रूप से उनकी चर्चा करें, सुनना है, सुनाना है दूसरों को, ठीक है। तो अभी समय हमारे पास है, थोड़ा समय है अभी। तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी इनका प्रश्न है कि श्रीनिवास आचार्य एक हैं तो वो अलग हैं क्या, और श्रीनिवास पंडित इनको भी। तो इसमें चैतन्य भागवत में श्रीनिवास और श्रीनिवास दोनों नाम आते हैं इनके, तो इनके दोनों नाम हैं। परंतु आगे चलकर के श्रीनिवास आचार्य हुए, तो इसलिए अब हम जो है कथा में श्रीनिवास इनको नाम नहीं बोलते। हाँ, तो प्यार में श्रीनिवास भी आता है और श्रीनिवास भी आता है, दोनों आता है। हाँ, तो यहाँ उस समय तो श्रीनिवास आचार्य नहीं हुए थे, तो उनका चरित्र है उस समय का। लेकिन अब जो है, चूँकि श्रीनिवास आचार्य बाद में हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य हुए है ना, तो अब जो है श्रीनिवास पंडित के बारे में कोई भ्रांति पैदा ना हो, तो अब हम उनको श्रीनिवास नहीं बोलते, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, हम बोलिए। चैतन्य महाप्रभु जब तक अपने जब तक संन्यास नहीं लिया था, तब वो बराबर हमेशा पान खा लेते, तो हम अपने मंदिरों में गौर मिठाई को पान का वो। अच्छा प्रश्न है। देखिए, पान जो है, जो पत्ता है पान का, तो पहले जो है पान खाया जाता था, तो पान का पत्ता खाया जाता था। पान के पत्ते में कोई दोष नहीं है, पान का पत्ता और उसमें कपूर के साथ खाया जाता था, तो कपूर में कोई दोष नहीं है। अगर कुछ दोष होता है तो सुपारी में होता है, तो पान में सुपारी डालते हैं, तो सुपारी में जो है नशा होता है। तो विशेष सुपारी को मना करने के लिए हम पान मना करते हैं, क्योंकि आजकल पान में सुपारी डालते हैं, ठीक है ना। भगवान चैतन्य पान लेते थे, कपूर सहित पान लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो है हमें मतलब रोकना है ना, और किसी प्रकार की भ्रांति ना पैदा, तो हम फिर नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा तो अच्छा यही है कि हम जो है हर प्रकार से रोकें, कि लोग जो है फिर उसके नाम पर फिर वो सुपारी भी लेंगे, है ना। जहाँ पान की बात आती है तो सुपारी अपने आप मान ली जाती है, सुपारी तो है ये पक्का। हम पान की बात करते हैं तो सुपारी पक्का मानते हैं लोग जी। हाँ, तो वो कर सकते हैं। मेरा सामान्य जो है समाज है, जन समाज में या पान की बात करोगे तो सुपारी अपने आप उनके दिमाग में आ जाती है, तो क्या जरूरत है, जरूरत नहीं, ठीक है ना। और हाँ, माता जी आपको श्रीवास ठाकुर महापुरुष से कितने साल बड़े थे कौन बताएगा? अच्छा प्रश्न। अद्वैत आचार्य 52 साल बड़े थे, और श्रीवास ठाकुर भी करीब करीब
इसी के आसपास, ठीक है ना, मतलब पिता के समान ही है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद। नहीं इसमें ये आया कि धोती लेकर चलते थे ना, हाँ तो स्नान करके जैसे आए तो हाँ तो ये जो है मतलब भक्ति की भावना में कि मुझे भी भक्ति की कृपा प्राप्त हो, है ना, तो उनकी डोली डोलची उठा ली, है ना, उनकी धोती उठा ली और चलते साथ साथ कि मुझे जो है भक्ति प्राप्त हो, भक्ति सेवा करने से भक्ति प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान जो है भक्तों के चरणों की धूल लेते हैं। लेकिन जब ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं तू 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 करके बोलते हैं और सबके चरणों में सबके सिर में अपना चरण रखते हैं। लेकिन जब बाहरी आवेश आ गया, इसमें आया बाहरी आवेश हुआ तो भगवान लज्जित हो गए, बाहरी आवेश सामने आ गए तो भगवान लज्जित हो गए और फिर क्या कहते हैं, क्या मैंने कोई चंचलता तो नहीं कर डाली, और लज्जित होकर के चले गए अपने घर। तो भक्तों के बीच में ईश्वर भाव में जब आ जाते हैं तो विष्णु के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, सब बोलने लगते हैं, और जब बाहरी आवेश में आ जाते हैं तो फिर पूछते हैं मेरे से कोई चंचलता तो नहीं हो गई, आप लोगों की का कोई अपराध तो नहीं हो गया, इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो ऐसी जो है भगवान की लीला है। द्विज नाम का जो मंदिर थे वो राम अवतार में भगवान राम के परम भक्त थे जी, वही कृष्ण अवतार में आके उनके शत्रु थे, इसका जो है उल्लेख मिलता है कि द्विज वानर जो है ये सुग्रीव का जो है सखा था, और ये जो है जब लक्ष्मण जी की आज्ञा से जो है रावण यज्ञ कर रहा था अपने जो है महल में, तो विभीषण ने बताया कि वो रावण जो यज्ञ कर रहा है और उसमें जो है अगर वो सफलता प्राप्त कर लेगा तो फिर जो है वो मतलब बहुत शक्ति आ जाएगी, उसके यज्ञ को भंग करना है। तो लक्ष्मण जी को साथ लेकर के लक्ष्मण जी कुछ बाणों को साथ में लेकर के उसके यज्ञ को भंग करने के लिए गए उसके महल में, रावण के महल में गए। तो उस समय जो है रावण के ऊपर रावण को पीट रहे मार पीट कर रहे हैं, तो भी वो मौन नहीं छोड़ रहा है, पूजा को नहीं बंद कर रहा कि मेरा फिर खंडित हो जाएगी पूजा। तो उसकी पत्नियों को भी लाए और पत्नियों को नग्न किया, ये कुछ किया, ये बानरों ने ऐसा भी कुछ किया, तो कुछ अनाचार किया उन्होंने, तो दिव्य बानर ने भी जो है कुछ इस प्रकार का गलत व्यवहार किया, लक्ष्मण जी की अवज्ञा की। तो उसी जन्म में जो है लक्ष्मण जी अवज्ञा की, तो उन्होंने कुछ मतलब दंड नहीं दिया, लेकिन यही द्विज जो है उस समय के बाद फिर इसकी मति बिगड़ गई और गलत संग में फिर ये जो है सब आसुरी जो है भावना में आ गए। तो वही लक्ष्मण जी जब बलराम के रूप में आए तो इसका वध किया उन्होंने, ठीक है ना। तो शिक्षा यही मिलती कि असत संग से जो है कोई व्यक्ति बिगड़ सकता है ना, तो असत संग से हमें बचना चाहिए। हाँ और आपको पूछना जी, मतलब मुझे वो जैसे कि 2 तारीख को है शिवरात्रि जी का भी बहुत दिवस है, तो जैसे कि नित्यानंद प्रभु जी का फैसला तो चिंता भी आता है, तो हम लोग फास्ट करते हैं नित्यानंद प्रभु जी का अद्वैत आचार्य का फुल फास्ट होता है नहीं, पंचतत्व में हम फास्टिंग केवल चैतन्य महाप्रभु का करते हैं, नित्यानंद प्रभु का करते हैं और अद्वैत आचार्य का करते हैं, बाकी जो है श्रीवास का और गदाधर पंडित का नहीं करते हैं। 12 दिन तक होता है नहीं कुछ नहीं, केवल श्रीवास पंडित आविर्भाव है तो आप उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है जी, धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो पानी देना जरा।